हाई एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। सो आई नो तुम मुझे जानते नहीं हो एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट एवर यूट्यूब वीडियो। सो थोड़ा इम्प्रॉपर हो सकता है, बट गिव मी अ चांस एंड आई विल इम्प्रूव इन फ्यूचर। ओके देन लेट मी स्टार्ट बाई इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज़ आफरीन एंड आई रिसेंटली ग्रेजुएट बी फार्म इन 2022। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माई ओन स्टोरी, माई ओन एक्सपीरियंस एट बी फार्म कॉलेज। बिफोर स्टार्टिंग माई स्टोरी, लेट मी शेयर यू सम बेसिक्स अबाउट फार्मेसी और एलिजिबिलिटी क्या होती है फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए। तो फार्मेसी एक पैरामेडिकल प्रोफेशनल कोर्स के अंडर आता है एंड फार्मेसी में हम प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन दोनों सीखते हैं। अगर एलिजिबिलिटी का बोले तो 12 साइंसेस कंपलसरी अगर फार्मेसी में एडमिशन लेना है तो, एंड ऑल्सो अगर कोई कॉलेज अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रखता है तो यू हैव टू गिव दैट एज वेल देन। और अगर तुम क्वालिफाई हो गए सो यू विल गेट अ डिसेंट फार्मेसी कॉलेज, दैट्स इट। नाउ लेट मी स्टार्ट माई स्टोरी। सो व्हेन आई वॉज इन 12th आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो इतना तो था कोई हेल्थ केयर सेक्टर में करियर करना है, तो एज अ नॉर्मल स्टूडेंट कोई भी सोचता है कि वाई नॉट डॉक्टर कर लेते हैं, बट देन नीट देनी पड़ेगी अगर डॉक्टर करनी है तो। एंड एट दैट टाइम आई वॉजन दैट प्रिपेयर कि मैं नीट क्वालिफाई कर लूँ और एक डिसेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाए। सो आई स्टार्टेड टू सी फॉर पैरामेडिकल कोर्सेस एंड आई गॉट टू नो अबाउट फार्मेसी। सो फार्मेसी के फॉर्म्स फिल कर दिए, एडमिशन हो गया एक डिसेंट फार्मेसी कॉलेज में। फर्स्ट ईयर ऑफ फार्मेसी स्टार्ट हो गया ऑफलाइन। तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट डे सब्जेक्ट्स एंड ऑल इंट्रोड्यूस किए एंड बहुत ईजी स्मूथली। देन इतना तो था कि ऑब्वियसली परफॉर्म वेल करना है पूरे 4 साल, जस्ट बिकॉज अभी 10 से लेकर 12 तक अच्छे से परफॉर्म किया था तो अभी भी आगे भी अच्छे से परफॉर्म करना है एंड हैव टू स्कोर गुड मार्क्स। देन आई गॉट टू नो अबाउट द टर्म लाइक ATKT। आई वॉज वेरी वरीड कि ATKT होती है, इतना ट्रैवलिंग होता है, कैसे मैनेज होगा सब कुछ और कैसे होगा, बट देन आई डिड इट, आई गॉट द हाइएस्ट मार्क्स। सो एग्ज़ाम्स तो एकदम अच्छे से चल रहे थे। वेट, आई फॉरगेट टू टेल अबाउट द फन पार्ट। लाइक फार्मेसी में सबसे बेस्ट पार्ट होता है प्रैक्टिकल्स करना। लाइक यू एन्जॉय अ लॉट, जितने तुम लेक्चर्स नहीं एन्जॉय करोगे उतने तुम प्रैक्टिकल्स एन्जॉय करोगे। सो प्रैक्टिकल्स में लाइक आई रिमेंबर HAP का प्रैक्टिकल होता था हमारा, जिसमें वी हैव टू डू लाइक प्रिकिंग निडल प्रैक्टिकल एंड वी हैव टू काउंट RBCs एंड WBCs। बहुत हालत ख़राब हो जाती थी बट वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आता था। देन ऑल्सो और एक प्रैक्टिकल था टाइट्रेशन वाला फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। तो इन दैट जब हम टाइट्रेशन करते थे और रिजल्ट आ जाता था, जब उसका कलर चेंज होता था तो इतनी सैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग होती थी ना, नथिंग कैन कंपेयर टू दैट फीलिंग, राइट? बहुत सैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग होती थी। तो ऐसी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल्स करते करते हमारा फर्स्ट ईयर भी चला गया उसमें। एंड सब्जेक्ट्स बहुत ईजी होते हैं फर्स्ट ईयर के, अगर तुम अच्छे से स्टडी करते हो तो बहुत ईजी है सब फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट विदाउट ATKT क्लियर करना। देन फर्स्ट ईयर हैप्पीली क्लियर हो गए, देन सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया मेरा। सेकेंड ईयर में बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स थे लाइक कोलॉजी, कोग्नोसी, मेडिसिनल केमिस्ट्री। कोलॉजी के क्लासिफिकेशंस बहुत डिफिकल्ट, नेम लाइक टंग ट्विस्टर्स होते हैं ना, उससे भी डिफिकल्ट, बट वी हैव टू रिमेंबर दैट अगर पास होना है तो। देन कोग्नोसी में प्लांट्स के क्लासिफिकेशन से नेम याद करना, देन मेडिसिनल केमिस्ट्री में SAR याद करना, लाइक कैसे इतना सब कुछ याद हो सकता है एक साथ, और ऑफलाइन एग्जाम देना। तो सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए हैप्पीली। सो देन ऑल्सो इन सेकेंड ईयर आई गॉट माई फर्स्ट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एंड ऑल्सो आई गॉट अ चांस टू पब्लिश माई फर्स्ट ever research paper in an international journal. So I was very happy कि अरे कुछ तो अलग किया है अपने अपने क्लास के बच्चों से, कुछ तो डिफरेंट क्वालिफिकेशन है मेरे पास। देन थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया, तो थर्ड ईयर में भी ऑनलाइन ही मोस्टली सारे क्लासेस होते थे बिकॉज ऑफ कोविड। ऑल्सो आई वॉज नोइंग दैट कि फोर्थ ईयर में जाके मुझे GPAT देना है। दोज हु डोंट नो लाइक GPAT is for PG admission, like अगर post graduation MPharm basically अगर करना है तो तुमने GPAT देनी चाहिए। I was like कि एक तो एग्ज़ाम ऐसी हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो ज़्यादा लोग क्लियर ना करते हो और मैं जिसको प्राउडली बोल पाऊँ कि हाँ मैंने ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर की है। सो आई वॉज वेरी विलिंग कि मेरे को तो करना है GPAT क्लियर एनी हाउ। सो आई स्टार्टेड टू लर्न मोर कंसेप्चुअल वाइज, लाइक
बहुत पढ़ाई की, कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, एमसीक्यूज रोज सॉल्व किए, देन ऐसे जीपैट की पढ़ाई चल रही थी इन थर्ड ईयर। ऑल्सो थर्ड ईयर में हमको प्रैक्टिस स्कूल का भी एक प्रोजेक्ट होता है। प्रैक्टिस स्कूल में हम एक प्रोजेक्ट करते हैं और एक कोर्स करते हैं, तो ये थर्ड ईयर ऑफ बी फार्म के सिलेबस में होता है। ऑल्सो थर्ड ईयर में हमको एक इंटर्नशिप भी करनी रहती है, जो कि या तो एक हॉस्पिटल में भी हो सकती है, या मेडिकल स्टोर्स पे, या फिर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी हो सकती है। तो मैं ये तीनों चीज़ें कर रही थी, मैं प्रैक्टिस स्कूल का प्रोजेक्ट भी कर रही थी, देन इंटर्नशिप भी कर रही थी, देन जीपैट के लिए स्टडी भी कर रही थी। तो थर्ड ईयर बहुत रश में निकल गया, देन आ गया फाइनल ईयर। सो फाइनल ईयर में जीपैट एग्ज़ाम, ऑफलाइन कॉलेज स्टार्ट हो गए थे फाइनल ईयर में, तो जीपैट एग्ज़ाम दे दी, ऑफलाइन कॉलेजेस अटेंड किए फाइनल ईयर में। सो फाइनल ईयर के पेपर्स का स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, देन फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स भी दे दी, एंड फाइनली द डे ऑफ द रिजल्ट, फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन, तो फाइनली ग्रेजुएटेड। ओके, देन नाउ आई शुड शेयर विद यू गाइज व्हाट इज़ माई पर्पज ऑफ स्टार्टिंग दिस चैनल। सो कैसे होता था ना, जब मैं फार्मेसी में थी तो मेरे फैमिली से देयर वॉज नो वन जो फार्मेसी में, जिसने करियर किया है और जो फार्मेसी बैकग्राउंड से है। सो बहुत डिफ़िकल्ट होता था, मेरे को तो गाइडेंस था ही नहीं कि कैसे पढ़ाई करनी है या कैसे फार्मेसी में करियर करना है। आई एम हियर टू शेयर माई एक्सपीरियंस, ऑल्सो गिव यू सम करियर टिप्स एंड गाइड यू फॉर बेटर फ्यूचर अहेड। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, ऑल्सो हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर द वीडियो। See you next time. Bye.